गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरीके का चूंडा बनाना है। आई होप आप चूंडा समझ गए होंगे कि चूंडा क्या होता है। और इस तरीके से अपने बैंड को ले जाना है और इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। और अगर आपने अपने बाल वॉश किए ना, तो प्लीज इंश्योर करिएगा कि फेस वॉश करते वक्त आपके ये ब्यूटीफुल से बाल बीच में बिल्कुल ना आए, ठीक है? अब मैंने एक प्रोडक्ट लिया है जो कि मामा अर्थ का, आप देख सकते हैं, ये विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश है। और इसको मैं अप्लाई करूंगी, मैं आपको इसके रिव्यू दूंगी कि कैसा है बेसिकली, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया, क्योंकि मैं इतना एडवर्टाइजमेंट देखती हूँ तो मुझे लगा कि शायद मुझे ये ट्राई कर ही लेना चाहिए। सो इसको बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसको इस तरीके से लेना है और अपने पूरे फेस में स्टॉप बिल्कुल नहीं ऐसा करना है आपको। सबसे पहले आपको अपना फेस एक बार वॉश करना है, जस्ट एक बार आपने अपना फेस ऐसे वेट कर लिया है प्रॉपरली। और वेट करने के बाद आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि टॉवल आपके साथ होना चाहिए। सो मैं इसको यहाँ पे साइड में रख देती हूँ। अब आपको ये वॉश अपने फेस पे इस तरीके से करना है, इसको जेंटली प्रेस करते रहिएगा इस तरीके से। आई होप आप देख रहे होंगे, क्योंकि खत्म ना हो जाए इसलिए मैं बहुत कम यूज कर रही हूँ, बहुत कम प्रेस कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और इसको आंख में बिल्कुल भी मत करिएगा। तो मैं ये लगा चुकी हूँ। और अगर आप इसके इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा कि वेट योर फेस नेक विद वॉर्म वाटर, बट मैं नेक में नहीं यूज कर रही हूँ। एंड उसके बाद पंप इट, पंप जो कि मैंने तरीका बताया इस तरीके से पंप करने का। और इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा धीरे धीरे जेंटली जेंटली ऐसे मसाज करना है, इसको होल्ड करके मसाज करना है इस तरीके से। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर सो फार। और इसके बाद क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। फिर इसके बाद क्या करना है कि जो सॉफ्ट इसके ब्रशेज है ऑब्वियसली वो आपको हर्ट नहीं करेंगे। और इसके बाद जो भी आपके पोर्स होंगे वो आपके कम्प्लीटली पोर्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इस तरीके से मसाज करनी है आप कर सकते हैं, वो देसी तरीका है, बट इफ यू डोंट वांट टू डू इट देन इट्स ओके। तो आई थिंक मेरा हो चुका है एंड मैं इसको अभी धो लेती हूँ। यूज करने के बाद आप इसे वॉश शुरू कर लीजिएगा इस तरीके से। मैंने इसको टिप को लगाया और ऐसे वॉश कर लिया। अभी मैं क्या करूँगी, इसकी कैप लगा दूंगी थोड़ी देर बाद, अभी नहीं थोड़ी देर बाद। अब मैं अपना फेस धो लेती हूँ। तो अब मैं ऐश्वर्या राय तो बिल्कुल नहीं लगूंगी एकदम से ही एक दिन में यूज करके, बट हाँ मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है इसमें वो ये है कि स्किन जो है ना वो मुझे बहुत लाइट लाइट सी लग रही है, अच्छी फीलिंग आ रही है इसे। इस तरीके से आप एक टॉवल से इसको प्रॉपरली ऐसे कर लीजिए। और फीमेल्स के लिए ना स्पेशली, जैसे आई डोंट नो मेल्स इसको यूज करते हैं कि नहीं करते, बट ये जो रिंग के नीचे वाला पोर्शन होता है ना ये हमेशा रह जाता है इसमें, ऐसे साबुन डालकर साफ नहीं कर सकते ना, तो ये बहुत अच्छा है। इसके ब्रिसल्स ऐसे ऐसे जाते हैं ना, तो नीचे और आसपास ना कुछ मतलब कालापन या कुछ भी किसी भी तरीके का डर्ट नहीं रहता है। सो इट्स वेरी गुड, सो थम्स अप। और मैं अगर इसको नंबर दूंगी तो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, मैं पहले थोड़ा सा ये सोख हो जाए। और मैं इसको कितने नंबर दूंगी, तो मैं इसको देती हूँ अभी तक के फीडबैक में मैं इसको देती हूँ 10 में से 8 मार्क्स। ओके, तो 10 में से 8 मार्क्स मैंने दे दिए हैं अभी। और मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगी कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मेरी स्किन कैसी हो रही है। जब ये वीडियो अपलोड करूंगी तो डिस्क्रिप्शन में आप इसको पढ़ सकते हैं। एक और प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है, मैं इसका भी फीडबैक आपको दूंगी, बट ये सारे फीडबैक मैं मंथ एंड के बाद में आपको दूंगी। अभी मैं सिर्फ वीडियो अपलोड कर रही हूं कि मैं क्या प्रोडक्ट यूज कर रही हूं, क्योंकि जब से मैंने ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया है मेरे पिंपल्स की प्रॉब्लम दूर हो गई है। ये टर्मरिक वाला है, टर्मरिक आप देख सकते हैं, विटामिन सी टर्मरिक विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। तो इसमें हल्दी तो है और हल्दी कितनी बेनिफिशियल होती है ये आपको पता ही होगा। इसके साथ एक और फेस वॉश मैंने ऑर्डर किया था मामा अर्थ के ही स्टोर से, वो है टी ट्री फेस वॉश, आप देख सकते हैं। और ये मैं यूज करूंगी ना तब मैं आपको बताऊंगी इसके क्या बेनिफिट्स। और ये मुझे मेरी स्किन पे, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी बहुत ऑयली है, तो ये मेरी स्किन को कैसे सूट करेगा, कितना सूट करेगा, क्या होगा, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड।